ओए ओए ओए, कितनी क्रंची है इसका, अंदर से फीलिंग देख लेते हैं कैसी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड बेबी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी, कुरकुरे पॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने 4 बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं, ये हमने राइस ले लिए हैं, इसको हमने 2 आवर्स के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। ये हमने वेजीज लिए हैं, इसको हमने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। एक कैरेट ले लिया है, एक शिमला मिर्च ले लिया है, एक अनियन ले लिया है और कुछ हमने कोरिएंडर लीव ले लिए हैं। 3 हमने ग्रीन चिली ली है, 1 इंच जिंजर लिया है हमने। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप में हम अपने जो आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। गाइस, ये हमने ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इसके अंदर हम सारे चावल डाल देंगे। इसका हमने अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है। गाइस, ये हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितनी अच्छी आई हुई है। अगर आपका ये पानी की तरह हो ना, तो आप इसे थोड़ा सा चावल और डालकर इसे पेस्ट अच्छा सा बना लीजिए। तो हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारी वेजीज ऐड कर देंगे, ये हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर कैरेट ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। मिर्ची और अदरक का दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है एकदम। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट है। 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून मैं चाट मसाला डाल रहा हूँ। ये मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, बस इससे क्या होता है थोड़ा फ्लफीपन आ जाता है। तो गाइस, हमने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आपकी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिस हो जाएंगी। और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अच्छे से गोल गोल सी बॉल बना लेंगे। तो गाइस, ये मैंने देसी घी हाथ में लगा लिया है अच्छे से, आप भी इसी तरह से लगा लें। और जो ये बॉल है, इसकी अच्छी सी छोटी छोटी बॉल बना लें ताकि इसे आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। या आप ऐसी इसी तरह से गोल गोल बॉल बना लीजिए। ये देखिए कितनी इजी तरह से बन गई, ये आप देख सकते हैं। ऐसी एक तरह से हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेंगे।
जैसे लड्डू बनते हैं ना वैसी, बड़ी इजी काम है ये। 2 सेकंड में ही लगते इसको तैयार होने में। देखो एक बार में हो गया तैयार, गोलू मोलू सा। बस क्या सारे देखोगे आप? फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। गाइस आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से गोल गोल कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो गाइस मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है, इसको हम अच्छे से हीट कर लेंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसी तरह से हम सारे डाल देंगे। अरे देखते हैं अच्छे से इसको हम क्रंची करेंगे, एकदम इस पर क्रिस्पीपन आएगा। अरे आप देख सकते हैं इसका ये थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये जब तक ब्राउन हो रहे हैं आप प्लीज अपना थोड़ा प्यार दिखा दीजिए वीडियो को लाइक करके। ये देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी कितनी अच्छी आवाज है, कितनी सेटिस्फाइंग है एकदम। गाइस आप देख सकते हैं एकदम रेडी हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से प्लेटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका और कितनी अच्छी इसकी साउंड आ रही है। गाइस मैंने इसकी अच्छी से प्लेटिंग कर दी है, इसका आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है और ये दिखने में कितनी क्रंची लग रही है। ओए 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 ओए, कितनी क्रंची है। इसका अंदर से फीलिंग देख लेते हैं कैसी है। ओए ओए ओए, बाहर से जितनी क्रंची अंदर से उतनी सॉफ्टनेस, मजा ही आ जाएगा इसको खा के। तो आप भी बनाएं इस रेसिपी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.